नमस्कार जी, स्वागत करते हैं आपका अपना एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। अपना भी ठीक है जी। आज तारीख की बात करूँ, 2 तारीख हो गई, 2 अप्रैल 2024 और टाइम सुबह के 8:10 आ गया हूँ गाड़ी पे। गाड़ी कर लिया कोल्ड स्टार्ट और निकलते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है भाई, अभी 30 दिन का अपना चैलेंज चला हुआ है। 30 दिन के अंदर 75,000 अर्न करने हैं अपने को, सिर्फ ऑनलाइन ऐप से ही, ऑनलाइन टैक्सी ऐप से ही। सो सीरीज बहुत बढ़िया जाने वाली है। कल वाला ब्लॉग आपने देख लिया होगा, कल कितने की अर्निंग हुई थी हमारी, कितने की नहीं। और आज अभी जस्ट ड्यूटी शुरू की है, सो देखते हैं कैसा रहता है आज का अपना दिन और कैसा नहीं। उम्मीद करता हूं भाई आपको सीरीज अच्छी लगेगी। और जो जो मेरा भाई पहली बार चैनल पे नया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिस जिस मेरे भाई ने अभी तक ये इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। ये नीचे आईडी आ रही होगी, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा लेट हो जाता हूं अपडेट देने में। इंस्टाग्राम पे आपको जो भी लाइव अपडेट होता है साथ के साथ देता रहता हूं। सो लेके भगवान का नाम भाई, करते हैं ड्यूटी शुरू। आज के दिन की पहली राइड मिल गई है जी। सेम वही है रूट कल वाली, जहां से कल पहले दिन पहली राइड पिक की थी, सुषमा लाइट क्रॉस से इंडस हॉस्पिटल डेरा बसी, वहीं जा रहा हूं। ऐसा माहौल है देख लो सुबह सुबह का भी। और जब आप इससे 2 घंटे बाद आके देखना यहाँ जाम कैसा हो जाएगा एकदम। खैर चलो, ये तो पार्ट ऑफ जॉब है, इसके बारे में नहीं कम्प्लेट करेंगे हम। हमें आदत है भाई इस चीज की। बाकी वो आगे सोसाइटी देखो सामने गुरुद्वारा साहब के पीछे, ये रही सोसाइटी। इस सोसाइटी से करना है जाके पिक। ये रही सोसाइटी, देखो उधर जाके वहां से करते हैं पिक। इनको करते हैं ड्रॉप और फिर 1-2 राइड मारेंगे डेरा बसी में, फिर निकलेंगे इधर उधर। लो जी पहुंच गए अंडर द हॉस्पिटल। देखो ये रहा, कर दिया ड्रॉप। अब करते हैं यहाँ से अगली राइड का वेट। टाइम देख लो 8:44। अब चलते हैं बाहर। ये लो आगे राइड पर, लंबी बहुत है ये, इसको पिक नहीं करेंगे, 10 किलोमीटर दूर है पिकअप। लो दूसरी राइड भी होगी कम्प्लीट डेरा बसी से, यही फोकल पॉइंट में कर दिया ड्रॉप। अब घर की तरफ ही जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अभी फोकल पॉइंट में फायदा है नहीं वेट करने का। इस साइड निकलते हैं 3-4 किलोमीटर खाली जाके, यहाँ से राइड पिक करते हैं, क्योंकि इधर सर्ज भी लगा हुआ है और बूस्ट भी लगा हुआ है। सो आज चलते हैं। टाइम 9:49 हो गए जी। बीच में थोड़ा घर चला गया था, आधा घंटा वहाँ थोड़ा वेस्ट हो गया। चलो वेस्ट तो क्या, काम था करना था। अभी यहाँ आ गया हूँ सोसाइटी में, करते हैं यहाँ से आज की तीसरी राइड भी पिक और चलते हैं 5:21, फिर वहां से देखेंगे चौथी राइड। लो जी CNG होगी रिफिल। लो जी चौथी राइड भी कर दी कंप्लीट, खरड़ पहुंच गया। और ये पीछे आपको व्हाइट बिल्डिंग दिख रही होगी, यहाँ करके आया हूँ ड्रॉप। अब टाइम हो गया 11:18, करते हैं थोड़ा सा वेट और यहाँ से पांचवी राइड का, पांचवी राइड लेके निकलते हैं। 12 बजे तक गाड़ी चलाता हूँ, उसके बाद खाना खुना खाते हैं। पांचवी राइड भी कर दीजिए आज की कंप्लीट। ये बलटाना पहुंच गया अभी। वैसे मैं आता नहीं हूँ यहाँ, बहुत रेयर चांस अभी मैं बलटाने के अंदर एंटर करूंगा, लेकिन चलो वहाँ फंसने की बजाय तो थोड़ा सा यहाँ ठीक है, बाहर बाहर निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। टाइम बाकी चेक कर लो, 12:37 हो गए। अभी देखता हूँ कहीं छाव देख के गाड़ी लगाता हूँ साइड में और फिर लंच भी कर लेते हैं। और अभी मार्केट में ही हूँ, देख लेते हैं पहले लस्सी का पैकेट, लस्सी पियेंगे आराम से, आधा पौना घंटा रेस्ट करके फिर करेंगे दोबारा ड्यूटी स्टार्ट। टाइम ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं जी। अभी घर आ गया था खाना खाने के बाद, थोड़ा घर के पास ही था। अभी 1.5 घंटा रेस्ट मार ली और अब चलते हैं दोबारा, करते हैं ड्यूटी आना। टाइम की बात करो जी, 5:53 हो गए हैं। और घर से निकलने के बाद सेकंड हाफ में 2 राइडें कंप्लीट हो गई हैं। पहली घर से लेके गया था नया गांव, जाते ही वहां से राइड मिल गई थी सेक्टर 68 मोहाली की। अभी मोहाली आ गया हूँ। ये आइसर वाली लाइटें हैं, ये यहाँ खड़ा हूँ। इस साइड चले जाओगे तो नया मॉल आ जाएगा CP67। ये सामने लाइटें, सामने इंडस्ट्रियल एरिया है। 6 बजे तक का करते हैं वेट और जैसे ही 6 बजेंगे अभी ड्यूटी ब्रेक पे लगा दिया, उसके बाद ड्यूटी दोबारा ऑन करूंगा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 राइडें लगानी है अभी, इसके बाद चाहे वो 2 घंटे में लग जाए चाहे 6 घंटे में लगे, 2-3 राइडें लगा के अपना आराम से घर निकल जाएंगे। और जिसमें से 1 राइड लगाएंगे एयरपोर्ट की। तो टाइम आपके सामने है भाई, 8:41 हो गए। एयरपोर्ट से आ गया था ड्रॉप करके, राइड मिल गई थी जीरकपुर की लोकली, छोटी सी राइड थी, खैर कर दी जैसे आपके साथ पहले प्रॉमिस किया था कि भाई 1 राइड तो एयरपोर्ट ही लगाएंगे। ये गंदी आदत है शुरू से ही, ठीक है। अभी मैं अभी बात वही है भाई, अब पंजाबी में अगर मैं बात करूं ना
भी उस्ताद सारे गुण दे दिंदा है, एक गुण कदे नहीं दिंदा, ठीक है। वो बातें आज भी और कल भी आपने देखा होगा, इन दो दिनों में सिर्फ एक राइड ऐसी है जो मैं चंडीगढ़ से पिक करके लेके आया, वो भी आज जो मेरी इससे सेकंड लास्ट राइड थी, वो पीजीआई से ड्रॉप की थी नया गांव से, ठीक है, उनको 68 ड्रॉप किया था। अदरवाइज मैं दो दिन हो गए मैंने चंडीगढ़ ने एंटर किया ही नहीं, और आप अर्निंग देख भी चुके हो किस हिसाब से हो रही है किससे नहीं। और जो लोग ये कहते हैं भी भाई जिस दिन अर्निंग होती है आप उस दिन का ब्लॉग बनाते हो, तो ये दोनों ब्लॉग उनके मुंह पे तमाचा है एक तरीके का, पंजाबी में बोल देता हूँ, कईयों को हिंदी समझ भी नहीं आती, ठीक है, ये उन्होंने मुंह पे चपेट है, ठीक है। आगे आगे देखो, अभी बहुत कुछ आपको ऐसा दिखाऊंगा, ठीक है। सो अभी रिसेंटली अपडेट यही है कि सेक्टर 17 में आ गया हूँ, ये देख लो पीछे ये सारी मार्केट है भाई 17 की, ठीक है। और ये रेंटल ड्यूटी है 2 घंटे की, अभी जस्ट कितना टाइम लगता है इनको कितना नहीं भाई उसके बारे में तो अभी जब ड्यूटी ऑफ करूंगा तभी आपको बताऊंगा। सो इसके बाद चलते हैं यहाँ से, अभी इनको ले आके यहाँ फर्स्ट स्टॉप पे यहाँ ड्रॉप किया है, नेक्स्ट स्टॉप जब भी ये फ्री होके आएंगे इनको दोबारा जीरकपुर के ही है, जीरकपुर ड्रॉप करेंगे, उसके बाद चलेंगे घर। और इस सारे ब्लॉग का भी जो भी अगर आगे कुछ अच्छी चीज हुई या कुछ ऐसा हुआ जो आपको बता सका या बताने लायक हुआ तो जरूर बताऊंगा, अदरवाइज आपको सारा समाचार इस आज 2 अप्रैल का भी कल सुबह ही दूंगा। टाइम हो गया जी 5:54, ऑलमोस्ट 10 बज गए, और अभी आके कर दी यार राइड रेंटल जो थी ड्रॉप, ठीक है, 10 मिनट पहले ही कर दी, 10 पे राइड खत्म होनी थी, 15-16 मिनट पहले राइड खत्म हुई है। सो खैर कोई चक्कर नहीं, चलता है इतना का, जितना का अपने को अमाउंट दिखा था वो सारा मिल गया अपने को भाई, उसमें कोई भी हिंदी में बात करूं तो कटौती नहीं हुई है, ठीक है। और अभी जस्ट आपसे आगे जाके बात करता हूँ क्योंकि भाई ये देख लो रोड की हालत, रोड तो है ही नहीं, ये लो। फिर आप लोग कई बार मैसेज कर देते हो या कमेंट कर देते हो भाई ये चीज ऐसे नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि जो चीजें प्रैक्टिकल है भाई वो आप लोग नहीं फेस कर रहे हो एट अ टाइम, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं, ठीक है, वो जो बंदा फेस कर रहा है उसको पता है, ठीक है। हर जगह अब ये लो आपके सामने ही है, दिख रहा है आपको सारा कुछ, ये देख लो ये बैक आ रहा है इधर, इसको पता ही नहीं, खैर चलो अब ये देखो, चलो तो क्या, ये देख लो रोड के हालात, अब वीडियो में नहीं आपको पता लग रहा होगा, ये देखो ए, देखना गाड़ी कैसे, ये देखो, ठीक है। अब आप फोन में देख रहे हो, आपको फोन में नहीं पता लग रहा भाई आगे भी कितना का आगे खड्डा गहरा है कितना नहीं, रोड की कंडीशन क्या है क्या नहीं, आप सिर्फ देख रहे हो, ठीक है। सो देखने से ये सिर्फ जस्ट बात वही है कि आप थ्योरी कर रहे हो इस चीज को, पढ़ रहे हो आप देख रहे हो, लेकिन मैं हमेशा सभी को यही कहता हूं भाई, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं पता चलेगा। आपका समझने का तरीका हो सकता अलग हो, मेरा समझाने का तरीका अलग हो, ठीक है, लेकिन जब तक इन खड्डों में आके खुद गाड़ी नहीं ना चलाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि रोड की कंडीशंस क्या होती है क्या नहीं। अभी देखो रोड साफ है ना, देखो बिल्कुल मक्खन जैसा रोड पड़ा है ये लो, लेकिन वो रॉन्ग साइड आ रहा है देखो। अब ये चीजें भी बचानी पड़ती है, खुद को भी बचाना है दूसरे को भी बचाना है, बहुत कुछ है। और अभी अगर रोड साफ है तो मैं आपसे बात भी कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो सो अभी बात वही है भाई, हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, जिसने जो बोलना है वो बंदा बोलेगा, जिसने जो समझना है वो समझेगा, ठीक है। सो अभी चलो आज चलते हैं घर, घर जाके करता हूँ आपसे आगे बात। एक ये भी देखो नमूना कहाँ, यहाँ चलता चलता देख लो गाड़ी कहाँ ले गया। तो बहुत कुछ है भाई, दिन और रात की भी ड्राइविंग में जमीन आसमान का फर्क पड़ता है, इस चीज को
लेकर अभी देख लो ट्रैफिक लाइट आगे डायरेक्ट है और आगे ट्रैफिक देखो, सारा कुछ देखना पड़ता है। खैर और एक चीज और बता देता हूँ भाई आप सभी को, ठीक है, मैं वीडियो बनाता हूँ ट्रैफिक में चलते हुए, ठीक है, तो ड्राइवर तो देखो मैं भी नहीं बना आज तक और ना ही मेरे को लगता है कोई बन पाएगा। आप लोग प्लीज ऐसी गलती ना करना भाई, ये बहुत रिस्की है, रोड ऐसी चीज है, ये देख लो। अब कितने का एग्जांपल दूं आपको, ये देखते रहना अभी क्या हो रखा है क्या नहीं। चलो ये देखो, हो रहा है रोड रेज, और जबकि गलत हमारा टैक्सी वाला भाई है, वो रॉन्ग साइड चला हुआ है, लेकिन वो फिर भी ठीक है। इन चीजों से बच के रहा करो भाई, रोड नहीं कभी दूसरा मौका देगा आपको, कब क्या हो जाए क्या नहीं। खैर चलो छोड़ दो यार, अभी ज्ञान फैलने वाली बातें बहुत दूर है, ठीक है, टाइम देख लो फिर दोबारा, 10 बज गए ऑलमोस्ट, चलते हैं भाई घर अभी, और घर जाके करते हैं ड्यूटी ऑफ, उसके बाद जो भी होगा आज का समाचार स्क्रीनशॉट आप अब तक देख चुके होंगे, अगर जिन्होंने बिना स्किप किए वीडियो देखी है, जिनको नहीं स्क्रीनशॉट मिला वो दोबारा देख लो भाई एक बार, ये देख लो रोड की कंडीशन है, जगह जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, सारा कुछ है, ठीक है। चलो आओ अभी घर चलते हैं भाई।